Hello everyone, so we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics and today it's the turn of question number 25. So the question says, sucrose decomposes in acid solution into glucose and fructose according to the first order rate law with T half equals to 3 hours. What fraction of sample of sucrose remains after 8 hours? क्या गिवन है आपको? सुक्रोज डिकम्पोज हो रहा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये रिएक्शन है जो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को, राइट? उसके अकॉर्डिंग आपको टी हाफ की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे टी हाफ, तो टी हाफ इक्वल्स टू 3 hours. ठीक, आपसे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 hours. जब आपके पास टाइम होगा 8 hours, उस टाइम पर कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल बचा होगा ये आपको बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा बात करेंगे फ्रैक्शन की. यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए ये है एक चॉकलेट और इसके आपने किए 4 pieces, 5 कर लीजिए, आपने इसके किए 5 pieces. ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा तो हम क्या लिखेंगे? जितना बचा है 1/टोटल कितना है 5. ठीक, तो ऐसे ही अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करें तो वहां पर फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? जितना टाइम टी पर होगा डिवाइड बाय जितनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी आपके पास. ये बात समझ आई? तो ये क्या हुआ आपके पास? फ्रैक्शन ऑफ सैंपल जो बचा होगा आफ्टर टाइम टी, इसी वाले फ्रैक्शन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें लिखना होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ. क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ? K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय T लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R. ठीक है, यहां पर आपको ये R नॉट बाय R वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है. T आपको दिया है आफ्टर 8 आवर्स. ठीक है, k की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी. कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको गिवन है t हाफ. सो k इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय t हाफ, कितना है 3, इक्वल्स टू ये आएगा आपके पास 0.231 r इनवर्स. ठीक है, तो k की वैल्यू आई 0.231. अब बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे. चलिए करते हैं. 0.231 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 8 log R नॉट बाय R. ठीक है, तो log वाली वैल्यूज को एक तरफ लिख लीजिए. log R नॉट बाय R इक्वल्स टू कितना आएगा? 0.231 into 8 डिवाइड बाय 2.303. ठीक है, इतना आया. तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 0.8024. ठीक, अब ये तो आई लॉग की वैल्यू, तो आर नॉट बाय आर के लिए हमें इसका लेना पड़ेगा एंटी लॉग. तो आर नॉट बाय आर इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.8024. एंटी लॉग कैलकुलेट करना हमें आ गया है अच्छे से, तो ये हो जाएगा आर नॉट बाय आर इक्वल्स टू कितना आएगा? 6.345. ठीक है बेटा, अब हमें निकालना था ये फ्रैक्शन कितना है R बाय R नॉट. R बाय R नॉट ये कितना आया? R नॉट बाय R, तो हमें चाहिए इसका रेसिप्रोकल. तो हम कर देंगे इसको R बाय R नॉट इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 6.345. सो R बाय R नॉट इक्वल्स टू 0.158. This is the fraction of sample of sucrose after 8 hours. So this is the answer. ठीक है, चलिए मिलते हैं next question में.